ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 11 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता है। प्रश्न है, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? ऊंचते ऊंच परमात्मा पतित पावन भोलानाथ कैसे हैं? उत्तर, बाबा बच्चे तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी देते हो। बाबा को क्या देते हैं बच्चे? चावल मुट्ठी देते हैं और रिटर्न में चावल मुट्ठी लेते हैं। बाबा कहते महल लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा कौन है? बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता रहता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है, ज्ञान में समझ से करते हैं। भक्ति काल में, भक्ति मार्ग में अल्पकाल का, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान मार्ग में आप समझ से करते हो, इसलिए वो सदा काल का मिलता है फल। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाबा से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए कहा बाप की तरफ। यह है परमात्मा, परमात्म ज्ञान किसके प्रति? हम आत्माओं के प्रति, भगवान व शालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्मा अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आकर तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाबा ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पार्थ बजाती है, पड़ती आत्मा है शरीर नहीं, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार। उनका नाम क्या है? शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, और सब कहेंगे ये मेरा शरीर है। यह किसने कहा? आत्मा ने, यह मेरा शरीर है, बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ। अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है, BA, MA, BCOM, MCOM, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं। इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही बाप पढ़ाते हैं, एक ही बाबा आकर पढ़ाते, तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते, उनका नाम क्या है? फिर बाबा दूसरी बारी पूछ रहे हैं, क्या नाम है उनका? शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है। कहेंगे फलाने का यह शरीर है, वैसे शिव बाबा का नाम नहीं। देखो, शरीर पर बाबा का नाम नहीं है, बाबा का नाम आत्मा पर है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम शिव है, जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव है। यह शरीर तो उनका नहीं, किसका है? ब्रह्मा बाबा का। भगवान तो एक ही होता है, 10-12 भगवान नहीं होते हैं, सबका मालिक एक है, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाबा कहते हैं मुझे भूत भटकाया है, परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। हम भी भटके और बाबा को भी भटकाया है। परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते मेरे ऊपर सब ने कितना अपकार किया, शिव बाबा बोल रहे हैं, मेरे ऊपर सभी ने क्या किया? अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानी की। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते, बाबा कहते मेरे सिवाय कोई भी निष्काम सेवा नहीं करता।
जो करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है, गायन है भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कलप तुम कर्मकांड करते आए हो, अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। श्री राम जी के बारे में कहते हैं ना, प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अकेले नहीं, उनके साथ जितनी भी सारी प्रजा कहो साहूकार कहो सारे रॉयल फैमिली सब मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते आप बन रहे हो, यह है ज्ञान और वो है भक्ति। आधा कलप तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है, पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया। देखो बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे पुकारते आए हो, बाबा आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, सबकी सद्गति करो, तो मैं अब आया हूँ। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कलप होती है रात, और ज्ञान से क्या है, आधा कलप के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। सतयुग त्रेतायुग राम राज्य, द्वापर युग और कलयुग रावण राज्य, ये समय भोग्य होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। क्यों जास्ती है वृद्धि, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, भोगी है, आयु भी कम है। वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए प्रबंध रचते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाबा आते हैं कम करने, पुकारते भी हैं बाबा आ करके अधर्म का विनाश कर, अधर्म का विनाश करो अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं बाबा कितना कम कर देते हैं, थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती है, नाटक में कितना पार्ट देरी से होता है, वह घर से भी देरी से आते हैं, अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं, नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते पार्ट बजाने के लिए। अलग अलग दूसरा भी बाय प्लॉट कोई ना कोई बिजनेस करते रहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा भी ऐसे ही है, पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में आते हैं, जो पहले पहले शुरू के पार्टधारी है वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते रहते, टाल टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वो है ड्रिल। अमृत वेला क्या है, ड्रिल है, योग का क्लास चलता है उस समय एक घंटा, और फिर 7 से 8 ज्ञान का क्लास चलता है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग अक्षर छोड़ दो क्योंकि इसमें सब मूझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हमारा योग नहीं लगता है। बाबा कहते अरे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है, याद नहीं करेंगे बच्चे तो पावन कैसे बनेंगे, बाप है ही पति पावन। बाबा आकर ड्रामा के आदि मध्यांत का राज समझाते, ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र सब पाठधारी है, कितने ढेर मनुष्य हिसाब निकालते, एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह है कहाँ रहने के लिए। तो बाबा कहते मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने, संख्या भी लोक संख्या या पॉपुलेशन कम करने के लिए। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है तो हमारा घर परमधाम खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है, वह बचे हुए थोड़े। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है, पिछाड़ी में जब यहाँ कोई रहता नहीं फिर सभी जाएंगे, नहीं दुनिया में कितने थोड़े होते हैं, अब कितने ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाता है, देखो वंडरफुल है, अभी ऐसा शरीर है पिछले जन्म में कैसा होगा, आगे नेक्स्ट जन्म में हमारा कैसा शरीर होगा, वंडरफुल। तो बाबा कहते हैं कि वह भी जन्म वही लेंगे जो कलप कलप लेते हैं,
यह वर्ड ड्रामा कैसे चलता है शिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नवरात्र पुरुषार्थ अनुसार समझते बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वे शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाएगी, भगवत गीता सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाएगी। इसलिए बड़ाई कर दी है, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ। लिखने के लिए स्वयं सरस्वती मैया बैठे, भगवान की महिमा तो भी नहीं लिख पाएगी, इतनी बड़ी महिमा है। फिर यह भी कह देते चिड़ियों ने सागर को हफ कर लिया, माना हम सभी ने बाबा का ज्ञान सुन सुन करके धारण कर लिया। तुम सब चिड़िया हो ना, सारे ज्ञान सागर को हफ कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान जाते हो। कल्प 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 तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, इसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी ही प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकता है हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं, हर एक को अपना अपना स्टडी पता है। स्कूल में भी नंबरवार इम्तहान पास करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही बनते हैं। जो नापास होते हैं वह सूर्यवंशी में आएंगे, चंद्रवंशी में आएंगे। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है, ये समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करता है उनको ऐसा ही फल भी मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी तंदुरुस्त होती है। कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपको सुधर माता जी, कितने बच्चे हैं? दो या चार बच्चे हैं। जितने भी बच्चे हैं उसमें पहले बाबा को ऐड करना है, पहला हमारा बच्चा बाबा है, बाद में ही हमारे घर के बच्चे ही छोटे छोटे। अच्छा तो कहते हैं तीन लौकिक है, तीन लौकिक बच्चे हैं और एक शिव बाबा पारलौकिक, क्योंकि वह वर्षा देता भी है और लेता भी है, हिसाब है उनको लेने का कुछ नहीं, वो तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए उसको भोलानाथ कहा जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर है। अब बाबा कहते हैं यह भक्ति के जो भी शास्त्र है उनका मैं तुम्हें सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कागविष्ठा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? शांति शांति। जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो, ये बेहद का नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है। बना बनाया है तब गाते हैं, बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने नाही। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है, जो कुछ पास किया वो फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते वो कभी बंद नहीं होता है। बना बनाया ये ड्रामा है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। कई बच्चे कहते हैं ना कि हमें तो कोई पाठ में आना ही नहीं, ना सतयुग ना त्रेता ना द्वापर, बस हम बस परमधाम में बैठे रहे मोक्ष मिले। बाबा कहते मोक्ष को पाना ज्योति में ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही बातें हैं। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं। फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। वैसे तो ये ज्योति में ज्योत समा जाती है और समा भी जाएगी तो सारा उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर वो पाठ कैसे प्ले करेगी? इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी परमात्मा की ज्योति में समा नहीं जाता, उसके प्यार में ज्ञान की लहरों में हम सभी बच्चे समा जाते हैं।
लव में लीन हो जाते, उसका ये यादगार है। फिर कह देते हैं, तुम्हारी गत मत तुम जानो, तुम्हारी श्रीमत से ही सदगति होती है, सो तुम जानते हो, तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, होने नाह खेल दिखाते हैं, गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो, तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कौन सा वशीकरण मंत्र है हमारा? मन मना भव, परमात्मा की याद में रहे। कहते हैं, तुलसीदास चंदन घी से तिलक राजाई का तुमको मिलता है। अपने अपनी मेहनत से तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं होते हैं। यह पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती है मधुबन में। पतित क्या करेगा, वायुमंडल को खराब कर देगा, इसलिए अलाव नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाव किया जाता है। अभी कोई कोई को अलाव करना पड़ता है, वो बड़ा आदमी है या कुछ है तो बाबा कहते अलाव करना पड़ता। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी, यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, मत राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। बाबा कहते मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई भी अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़ करके पास होते हैं। पास होने के बाद फिर क्या करते हैं? पास होकर कमाई करते हैं, कमाते हैं। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई क्या है? इनकम का साधन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है वशीकरण मंत्र सबको देना है, माना मन मना भव। पढ़ाई की मेहनत से ही राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने के लिए क्या करना है? हर एक को अपने अपनी एक अंगुली देनी है, ये भी छोटी वाली देनी है, बड़ी वाली नहीं। तन मन और धन, जितना हमें पॉसिबल है बस सहयोग देना है। सेकंड पॉइंट है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग 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 कह करके मुंझना नहीं है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ, आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते भी रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। मधुबन में भी लिखा हुआ है ना एक स्लोगन, याद रखना ये विघ्न आपके सफलता का रास्ता साफ करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है, इसलिए डरना नहीं, उसको घबराना नहीं है। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। सेवा में ऐसे विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ, आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति।